बॉक्स ऑफिस पर दंगल ने जो दंगल शुरू किया था वो अभी भी जारी है। फिल्म दंगल ने जितनी कामयाबी पाई उससे ये तो साफ हो ही चुका है कि आमिर खान ने इस बार भी धमाका कर दिया। दंगल सारी बॉलीवुड फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब भी फिल्म की शानदार कमाई का सिलसिला जारी है। एज यू नो, दंगल ने 17 दिन में बॉक्स ऑफिस में 344 करोड़ रुपए की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उससे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बेहद खुश हैं और अपनी खुशी को अपने फैंस के साथ बांटते नजर आए हैं। आमिर ने ट्विटर पर सभी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है, दंगल को जो भी प्यार मिला है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे आज तक जो भी रिस्पॉन्स मिला है ये उन सब में सबसे पैशनेट है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को अपना समझा। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो किसी क्रिएटिव पर्सन को मिल सकता है। दिल से शुक्रिया और शुक्रिया नितेश सर। रिलीज होने के बाद से ही दंगल कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है और अब फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। आमिर खान की फिल्म पीके अब तक बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जिसने 340 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। आमिर के दंगल ने केवल 3 हफ्ते में 344 करोड़ की धुआंधार कमाई कर पीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी भी आमिर की कोशिश फिल्म को 400 करोड़ क्लब में पहुंचाने की है। वेल, अब देखना ये है कि क्या आमिर की फिल्म दंगल 400 करोड़ क्लब में पहुंचती है या नहीं।